एवरीवन, वेलकम टू ऑटो शो बाय द कार मॉल। मैं आज फिर से हाजिर हूँ मारुति बिटारा ब्रेजा लेकर के। एक बहुत ही अच्छी कंडीशन की कार मेरे पास आई हुई है, तो आज इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। 2018 मॉडल है, डीजल कार है। इसकी जो रनिंग है वो है 68,000 किलोमीटर। तो गाड़ी के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे इसकी अंदर और बाहर से कंडीशन। तो उससे पहले करते हैं गाड़ी का एक वॉक अराउंड। तो फ्रंट से ही कंडीशन में आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ी के। आप देख रहे हैं बोनट पे किसी भी तरह का कोई भी स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको गाड़ी पे। अगर मैं नीचे बम्पर की बात करूं तो किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है गाड़ी पे। आपको लाइट की बात करूं तो लाइट की कंडीशन आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली हैं। आपको नीचे फॉग लैंप भी मिलते हैं गाड़ी में, और गाड़ी का जो कलर है वो रेड है, तो काफ़ी एट्रैक्टिव लग रही है गाड़ी। अब हम चलेंगे गाड़ी के साइड में और दिखाएंगे आपको साइड से कंडीशन। तो आप साइड से देख रहे हैं गाड़ी की कंडीशन कि आपको किसी भी तरह का साइड से भी कोई स्क्रैच कोई डेंट मार्क नहीं मिलेगा गाड़ी पे। अगर मैं टायर की बात करूँ तो इसमें 16 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं, और टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको। आप ORVM देख रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है, किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा निशान आपको नहीं मिलेगा। पूरी बॉडी लाइन से अगर बात करूँ तो गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन आपको मिलने वाली है। तो अभी मैं आपको गाड़ी की बैक से भी कंडीशन दिखा देना चाहता हूँ। आपको काफ़ी क्लीन कंडीशन मिलने वाली है बैक से भी। अगर मैं लाइट की कंडीशन की बात करूँ तो आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का लाइट पे कोई स्क्रैच नहीं है। आपको VDI गाड़ी है तो VDI की एक बैजिंग मिलती है इधर, मारुति सुजुकी की इधर बैजिंग मिल जाती है। नीचे पार्किंग आपको सेंसर मिल जाते हैं, सेंटर में आपको लोगो मिल जाता है। अब मैं गाड़ी का बूट स्पेस आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो गाड़ी में बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 328 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलने वाला है, जो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है एक कॉम्पैक्ट SUV कार्स के अंदर। तो आपको मैं स्टेपनी दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जो स्टेपनी आपको मिलने वाली है वो अभी यूज भी नहीं हुई है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको मिलने वाली है, प्लस सारे टूल्स के साथ। इसमें जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है वो मिलती है 48 लीटर की, और जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो आपको मिलने वाला है 24 किलोमीटर प्रति लीटर का कंपनी माइलेज क्लेम करती है। तो एवरेज के मामले में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अभी मैं हूँ गाड़ी के अंदर, और आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर से कंडीशन। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि डैशबोर्ड पर आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई स्क्रैच नहीं है, और गाड़ी अंदर से भी काफ़ी क्लीन है। आपको अगर सीट की कंडीशन की बात करूँ तो इस पर आपको लेदर फिनिशिंग में सीट कवर लगे हुए मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कहीं से कोई भी दाग धब्बा नहीं है। और अगर मैं छत की बात करूँ तो छत भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी क्लीन मिलने वाला है आपको। आपको स्टीयरिंग पे भी लेदर का कवर लगा हुआ मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है स्टीयरिंग की भी। अगर मैं गाड़ी के स्टीरियो की बात करूँ तो आपको कंपनी फिटेड मैनुअल स्टीरियो इस पर मिलता है। आपको नीचे ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है, एक चार्जर मिल जाता है, आपको दो कप होल्डर भी मिलते हैं, आपको इधर AC बैंड मिल जाते हैं, नीचे आपको AC ऑपरेट करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। और अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आपको सेंटर में मिल जाता है, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस भी आपको मिलता है, आप वहाँ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ जो गाड़ी रन हुई है वो आपको स्पीडोमीटर पर दिख रहा है, 69,000 चली हुई है गाड़ी के बाद। अगर मैं बैक सीट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है बैठने में। अगर मैं सीट की बात करूँ तो बैक सीट भी आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है, और लेदर फिनिशिंग में आपको सीट कवर पूरी गाड़ी पर लगे हुए मिल रहे हैं। मैं बैक सीट की बात करूँ तो काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखी गाड़ी की अंदर से और बाहर से कंडीशन। तो मैं अब गाड़ी का प्राइस आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गाड़ी आपकी हो सकती है वो हो सकती है मात्र 7,75,000 रुपये में। तो आप कार मॉल आइए, विजिट कीजिए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं,
शोरूम का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और मैं लाता रहूँगा हर वीक आपके लिए डिफरेंट कार्स के वीडियोस। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।